আধুনিক বিজনেস ওয়ার্ল্ডের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো টাইম ম্যানেজমেন্ট। আর কোনো একাডেমিক প্রশিক্ষণ ছাড়াই এই বিষয়ে সিদ্ধহস্ত মুম্বাইয়ের ডাব্বাওয়ালা গোষ্ঠী। প্রতিদিন নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অফিসে অফিসে টিফিন বক্স পৌঁছে নজির গড়েছে মুম্বাইয়ের ডাব্বাওয়ালা সম্প্রদায়। সম্প্রতি কলকাতা এক অনুষ্ঠানে ডাব্বাওয়ালা অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিনিধিদের সঙ্গে কথা বলেছিলেন আমাদের ক্যালকলিং এর প্রতিনিধি ভামতী বসু। সেইখানে আমাদের প্রতিনিধিকে টাইম ম্যানেজমেন্ট নিয়ে একাধিক প্রশ্নের খোলামেলা উত্তর দিয়েছিলেন তাদের প্রতিনিধিরা। গঙ্গারামজি, मुंबई के डब्बा वाले सिर्फ भारत में ही नहीं बाहर में भी बहुत मशहूर है कि इस बारे में कि हर वक्त टाइम पे होते हैं वो लोग, तो इतना प्रिसिशन कैसे होता है? नमस्कार मैडम, मुंबई डब्बा वाले की जान पहचान भारत में तो हुई है, भारत के बाहर भी हुई है, क्योंकि हम लोग समय पे खाना देते हैं। अगर समय पे खाना नहीं देंगे तो भाई जो हमारे हाथ से खाना खाने वाले होते हैं वो क्यों खाना मंगाएंगे? लंच के लिए जो मंगाते हैं उसे डिनर नहीं होना चाहिए, तो लंच होना चाहिए समझ के भाई को हम खाना घर से उठाया हुआ बनाया हुआ, माजी हो, भाभी हो, बीवी हो या बहन हो, लड़की हो, उनसे हाथ से बनाया हुआ उनको खाना देते हैं। डब्बा वाले के पॉपुलैरिटी के पीछे क्या है, मतलब सक्सेस के पीछे क्या है? सब डब्बे वाले वारकरी संप्रदाय से जुड़े हैं, सर्विंग फूड एंड सर्विस गॉड समझते हैं, मानव सेवा से ईश्वर सेवा प्राप्त होती है, ऐसे मन में भावना जाग उठनी चाहिए। केवल पैसा कमाना उनका हेतु नहीं होता है, जो मैं काम कर रहा है मेरे दिल में कि मानव सेवा ईश्वर सेवा प्राप्त होती है। इसीलिए वारकरी संप्रदाय के लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, इसलिए कोई नौकरी नहीं कर सकते, ज़्यादा पैसा नहीं इसलिए बिजनेस नहीं कर सकते, इसलिए फैमिली बिजनेस या डब्बा वाला बिजनेस उन्होंने 120 साल से, मैं खुद थर्ड जनरेशन से काम कर रहा हूँ, और पढ़े लिखे लोगों से अनपढ़ लोगों की मेमोरी स्ट्रांग होती है, स्टेमिना स्ट्रांग होता है, इसीलिए अपने एक्यूरेसी काम में बढ़िया, एक लक्ष्य के ऊपर ध्यान देते हैं। हर वक्त हर बार कैसे टाइम पे होता है, क्या बोलते हैं आप वो लोग? देखिए, एक टाइम गलत होता है तो सब टाइम गलत होते हैं, तो हमें समय एक समय से हमेशा रहेंगे तो आगे समय आप से आप जुड़ जाएंगे। इसके लिए पहला समय चुकेगा तो बाकी सब चुक जाएगा, इसके लिए पहला ही समय जो है समय संभालना चाहिए। सुबह टिफिन लेते समय जब अच्छी शुरुआत होती है तो उनकी एंड भी अच्छा होता है, इसके लिए समय पे डब्बा लेना, समय पे देना, बैक टू होम एम्प्टी डब्बा घर में समय पे देना। ये लोग पढ़े लिखे नहीं है फिर भी हर बार सही डब्बा सही आदमी के पास जाता है, तो कैसे आप ट्रेन करते हैं इन लोगों? उसके लिए कोडिंग सिस्टम हम लोग ने बनाया, कलर शेड है, कोडिंग सिस्टम है। उसके लिए आपको पहले तो कलर थ्रेड बांध के हम डब्बे की पहचान करते थे, फिर टेलर के कपड़े के कटिंग्स बांध से आइडेंटिफिकेशन करने लगे, फिर ऑयल पेंट का जमाना इज इक्वल टू प्लस राउंड कुछ सिंबल यूज़ करने लगे, फिर अभी लेटेस्ट कोडिंग सिस्टम मैंने खुद ने 1974 ने बनाई हुई है, वो कोडिंग्स देखने के लिए अभी तो मुझसे नहीं बोल सकता है, उसको तो प्रैक्टिकली कलर शेड होता है, स्टेशन का रेसिडेंशियल स्टेशन का इनिशियल होता है, डेस्टिनेशन स्टेशन के नंबर्स होते हैं, डिलीवरी पर्सन का रूट है, बिल्डिंग का इनिशियल है, फ्लोर नंबर है, सब वो कोडिंग सिस्टमेटिकली हम लोग ने बनाया, उस सिस्टमिक के मुताबिक डब्बे वाले काम कर। कितने आदमी काम कर रहे हैं आपके साथ? हमारे टोटल 5000 डब्बे वाले बम्बई में नेटवर्क कर रहे हैं, 5000 लोगों की 800 टीम्स हैं, और 200,000 डब्बे की रोज का डिलीवरी होती है, और बैक टू होम 200,000 रिटर्न शाम को, यानी 4 लाख टिफिन का ट्रांजैक्शन हर दिन संडे छोड़ के, पब्लिक हॉलीडे छोड़ के बम्बई में हम लोग कर रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि ये जो डब्बा वाले हैं मुंबई में ही इसका प्रसार हुआ है, तो भारत के दूसरे शहरों में भी की होने का चांस है क्या? देखिए, मुंबई का जो ज्योग्राफिकल सिचुएशन जो है वो बहुत बढ़िया है, स्ट्रेट है, सीधी है, और मुंबई में रात दिन लोग काम करते हैं, वैसे हम लोग गोवा में गए तो गोवा दोपहर को सोते हैं, तो बाकी शहरों में अभी तक तो फिलहाल थोड़े जगह वो है, एमआईडीसी जो जोन है उधर है, मगर इतने मुंबई जैसे नहीं है। तो आपको लगता है कि ये जो बाहर का फूड जैसे ऑफिस में डिलीवरी हो रहा है, इससे क्या डब्बे वाले पे कोई असर आने वाला है या फिर? देखिए, अभी देखो, आदमी को जहाँ 20-25 ईयर बिजनेस करना है या तो 20-25 ईयर जॉब करना है, तो वही टाइप के रेस्टोरेंट हर दिन उसके पास नहीं, एक ही टाइप का खाना आप एक होटल में खाओगे तो आप थक जाओगे, ऐसे डे बाय डे आप खा सकते तो चलता है, मगर अभी उम्र के हिसाब से मुंबई में इतना प्रदूषण बढ़ चुका है, प्रदूषण के हिसाब से घर का खाना बढ़िया होता है, और लो कॉस्ट लेवल से हम खाना देते हैं, घर में जो पत्नी है, भाभी है, अपनी बहन है, माँ है, वो तन मन लगा के खाना बना के देती है, वेटर जैसे ऑर्डर देने की जरूरत नहीं, कल क्या खाया था आज क्या देना चाहिए,
और मनपसंद खाना अपने बॉस को क्या देना चाहिए, तो खाने से वो फ्रेश रहेगा, अच्छा काम करेगा, अच्छा बिजनेस करेगा और अपने घर के लिए फैमिली बिजनेस कमा के लाएगा। डब्बे वाले जो आप लोग जो सर्व करते हैं, हर उम्र के लिए घर से खाना आता है या सीनियर के लिए ज़्यादा आता है, ऐसा कुछ है? बच्चे से बूढ़े तक खाना आता है। अभी मोस्टली क्या है, डाइट की वजह से डाइट फूड बहुत बन चुका है बम्बई में। हाँ, बहुत सारी बीमारी बन चुकी है, बीपी, डायबिटीज, तो विदाउट सॉल्ट, विदाउट ऑयल, ऐसा खाना घर में जॉइंट फैमिली बन नहीं सकता है। तो ऐसे बहुत सारे मेस है, विजय वेंकट डॉक्टर है, वाइटल फूड है, वो ऐसे खाना बनाती है, वो हम डिलीवरी करते हैं 500-500 टिफिन। कोई जैन फूड है, गुजराती फूड है, मारवाड़ी फूड है, साउथ इंडियन है, नॉर्थ इंडियन है, वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन, सब टाइप के मेस अभी होने लगे, तो मेस का डिलीवरी हमारे थ्रू ही होती है।